सुनने में आ रहा है कि आदि पुरुष की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है, क्या लगता है पठान से डर के भाग गए? जी देखिए, रिलीज डेट तो पोस्टपोन हो गई है, सोशल मीडिया पे तो देखिए गलती लोग शुरू हो गए कि भैया पठान से डर के आदि पुरुष भाग गई है सब चीज़। अब देखिए किसी के लिए कोई हेट नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं है, अलग ही कि पठान से डर के भाग गई है वो सारी चीज़। देखिए दोनों ही अपनी अपनी इंडस्ट्री के कहेंगे, ये बादशाह का तो देखिए फिर कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन आदि पुरुष के साथ देखिए ये लफड़ा हो गया कि भैया उसके VFX कितने पुअर थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उसको ट्रॉल कर रहे हैं। ऊपर से वो देखिए कैरेक्टर वगैरह श्री राम जी को देखिए उन्होंने क्या पहना दिए वस्त्र वगैरह वो सब चीज़ें, हनुमान जी को क्या बना दिया, रावण को क्या बना दिया, पूरा मतलब हर कुछ ही कर उनने, मतलब रामायण लेके आ रहे थे आप और ये क्या कर दिया, मतलब लोग तो इंतजार में बैठे कि भाई ये फिल्म रिलीज होगी तो और बैंड बजाएंगे फिल्म के, आदि पुरुष के ये हाल हो गए थे। तो इस वजह से भी देखिए उसके रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया है। वहीं पठान को तो देखिए अब जबरदस्त फायदा मिलने वाला है इसकी पोस्टपोन से, क्योंकि पठान का तो देखिए वैसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन अब आदि पुरुष के पोस्टपोन होने से ये एक अच्छी बात हो जाएगी कि बाकी लैंग्वेजेस में और हिंदी में भी जो थोड़ी बहुत स्क्रीन्स आदि पुरुष को मिलने वाली थी वो स्क्रीन्स भी देखिए पूरी पूरी तरीके से पठान को मिलेगी, क्योंकि सिर्फ दो ही बड़ी फिल्में थी जनवरी में, एक आदि पुरुष और पठान। आदि पुरुष आनी थी 12 जनवरी को, वो हो गई है पोस्टपोन। अब सारी स्क्रीन भैया मिलेगी पठान, पठान सोलो रिलीज होगी धमाकेदार तरीके से, ज़्यादा स्क्रीन काउंट मिलेगा फिल्म को और ऑडियंस भी देखिए वेट कर रही है कोई अच्छी फिल्म का। तो आदि पुरुष का तो देखिए फिर वैसे ही पूरा कबाड़ा हो चुका था टीज़र के बाद से, तो पठान कोई शानदार ओपनिंग मिलनी हो, मैं तो हमेशा से बोलते आया हूँ पठान ही जबरदस्त कमाई करनी थी आदि पुरुष और पठान के साथ में भी, लेकिन अब तो सीधे सिंगल लग रही है पठान, तो वैसे ही धमाकेदार।